रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान तो कर ही दिया है। अब आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलवा सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई अटकलें चल रही थी कि बैंक में फॉर्म भरने होंगे, कुछ स्लिप जमा करनी होगी, लेकिन SBI ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं करना होगा और ना ही नोट बदलवाने के लिए पहचान पत्र की जरूरत होगी। तो नोट बदलने के लिए आपको कोई पहचान पत्र नहीं देना होगा। बैंकों में आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र ले जाने की मजबूरी भी नहीं होगी। एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपनी सभी ब्रांचेस जो है, अपनी शाखाएं जो है, उनको निर्देश दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर जो तरह तरह की बातें चल रही थी उसको लेकर एक तरह से ये विराम लगाया गया है कि आपको कोई पहचान पत्र नहीं देना होगा, कोई फॉर्म या स्लिप जो है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2000 के नोट बदलने के लिए वैसे तो मंगलवार तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, पर इसे खपाने के लिए लोग आभूषणों में भी पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारे सहयोगी तनिष पंजाबी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से निकलने के नोटिफिकेशन के बाद आभूषणों की कीमतों में थोड़ी सी बढ़त हो गई है। शायद इसलिए क्योंकि लोग उस नोट का इस्तेमाल आभूषण खरीदने में करना चाह रहे हैं। ज्वेलरी मार्केट में इस हलचल के ऊपर हमसे बात करी विजय खन्ना जी। सर, सबसे पहले आप ये बताना चाहेंगे कि कितना अमाउंट का कैश पे ज्वेलरी लेना अलाउड है, कितने पे KYC चाहिए होती है, क्या वो एक सर्टेन लिमिटेशंस क्या है कैश पे लेने पे ज्वेलरी? एज पर गवर्नमेंट की जो हमारे को कंडीशंस हैं कि 50,000 रुपये के ऊपर हम KYC लेते हैं और 2,00,000 के ऊपर पैन कार्ड, और उसके ऊपर जो भी है आइदर RTGS और आइदर कोई भी बैंक का या कोई भी कार्ड हम लेते हैं। अभी जैसे फ्राइडे को अनाउंस हुई थी और आज संडे है, क्या इस बीच में थोड़े से इन्फ्लक्स ऑफ कस्टमर्स ऐसे आए हैं, भले ही आपने मना कर दिया उनको कि नहीं हम नहीं दे सकते, वो एक अलग चीज़ है, बट क्या ऐसे इंक्वायरीज आपके पास आई हैं ज्वेलरी की 2000 रुपए के नोट को लेकर? कुछ लोगों को मुझे लगता है कि बहुत घबराहट है कि ये नोटबंदी की तरह ये हमारे नोट रह जाएंगे, लेकिन सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये डिमेंशन चलती रहेगी, लेकिन सर लोगों को इस तरह घबराहट नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल लोग मगर अभी इतने कॉन्शियस हैं कि कोई भी 2000 से ऊपर की कोई बाइंग नहीं कर रहा है। अच्छा, तो जो इस तरीके कस्टमर है जो आपने बोला कि 49,000 से नीचे जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, आपको लगता है क्या इस पे इंक्रीज हुआ है और आने वाले टाइम में हो सकता है मंडे से जब से मार्केट वापस रीओपन हो? अभी देखिए एक हफ्ते में सारी ये पिक्चर क्लियर होगी कि लोगों में कितनी घबराहट है, क्या वो सोना खरीदना चाहते हैं या बैंक में जिसने जमा कराना है, या उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं हमारे भी ट्रेड में जिन्होंने जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा होगा, जिसको आप नंबर दो का या ब्लैक की मनी कहेंगे, वो चाहेंगे कि उनको सोना किसी भी भाव में मिल रहा है वो ले लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको नहीं लेना चाहिए कि वो जो सोना लेंगे वो बैंक का सोना नहीं होगा, जो स्मगल गोल्ड होगा, और स्मगल गोल्ड को बिल्कुल उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं उनसे राय नहीं दूंगा कि वो ऐसा सोना खरीदे। आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका में मंदी आ सकती है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। वहां पर शेयर बाजार जो है उसमें लगातार गिरावट दिखी है, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह है कर्ज लेने की सीमा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी का ना मिलना। आखिर क्या होगा अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका में मंदी की आहट बढ़ती जा रही है। इस आशंका की कड़ी में सबसे ताजा घटना शुक्रवार को देखने को मिली, जब अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आई। गिरावट की वजह उस बातचीत में ब्रेक लगने को माना जा रहा है जो अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच चल रही थी। ये बातचीत अमेरिका के उधार या कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए जाने को लेकर है। अगर रिपब्लिकन व्हाइट हाउस द्वारा कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं देते तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग संभवतः सरकार के सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए जरूरी खर्चे नहीं जुटा पाएगा, यानी डिफॉल्ट की स्थिति बन सकती है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने पिछले हफ्ते कांग्रेस के नेताओं को लिखे एक पत्र में चेतावनी दी थी,
अगर कांग्रेस उधार लेने की सीमा बढ़ाने में विफल रहती है तो देश को 1 जून की शुरुआत में अपने ऋण दायित्वों पर डिफॉल्ट यानी चूक का सामना करना पड़ सकता है। 2001 के बाद से अमेरिकी सरकार का बजट घाटा हर साल लगभग $1 ट्रिलियन है। 2016 के बाद से सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कर्ज पर ब्याज के खर्चे काफी बढ़ गए हैं और उसके मुकाबले आमदनी यानी संघीय राजस्व नहीं बढ़ पाया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका करों और आय के अन्य स्रोतों से प्राप्त धन की तुलना में काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए और सरकार के भुगतानों को बनाए रखने के लिए और अधिक उधार लेने की आवश्यकता है और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिकी सरकार ने ऋण दायित्वों पर डिफॉल्ट यानी चूक किया तो उसके दूरगामी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब पहलवानों की बात करते हैं जिनके मामले में खाप पंचायत के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। इससे पहले सर्व खाप पंचायत में यह फैसला हुआ कि 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च निकाला जाएगा, 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत होगी और उसमें लिए गए फैसलों के पीछे सभी खाप पंचायतें और किसान संगठन खड़े होंगे। सर्व खाप पंचायत ने मांग की है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट करवाया जाए। बेंगलुरु शहर का हाल अब कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद वहां पर हालात बिगड़ जाते हैं, जलभराव हो जाता है और इसी कड़ी में कल एक दुर्घटना यहां पर हुई है। इतने हालात बिगड़ गए कल भारी बारिश के चलते कि कई इलाकों में पानी भर गया और एक सबवे में एक कार फंस गई। उस कार में 7 लोग सवार थे, लेकिन एक लड़की जो थी उसकी जान यहां पर नहीं बच पाई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक युवती के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन यहां पर बारिश में जिस तरह की स्थिति बार बार पैदा हो रही है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। तो जहां बेंगलुरु में बारिश ने बुरा हाल कर दिया, वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भयानक गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली NCR में लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के नजफगढ़ में 46.3 तक पहुंच गया था तापमान। लोगों को सलाह दी गई है कि अगर दोपहर के वक्त जरूरी ना हो तो घरों से या दफ्तरों से बाहर ना निकलें। लू से बचने के लिए पानी और फलों का सेवन बढ़ा दें और खाली पेट घर से बाहर किसी भी हालत में ना निकलें, ये सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 19 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर ले जाया जाएगा। भोपाल के यात्री कल तीर्थ दर्शन के लिए प्रयागराज रवाना हुए। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसने अपने माता पिता को श्रवण में ले गए थे, ये दूसरे श्रवण है जो कि हवाई जहाज से तीर्थ करा रहे हैं। कोई सिर छूकर आशीर्वाद दे रहा था, कोई नारे लगाकर। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो अपने बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए हवाई सफर करवा रहा है। कई आंखें नम थीं, कई पहले हवाई सफर के लिए रोमांचित तो कोई श्रद्धा भाव से भरी हुई। मन से दुआएं दे रहे होंगे कि बारे दूसरा श्रवण पैदा हो गया। शिवराज दूसरा श्रवण है, शिवराज और विश्वास दोनों लगे हैं
मध्य प्रदेश को चमकाने के लिए। कभी हवाई जहाज में नहीं बैठ पाए, काशी भी जाएंगे, राम जन्मभूमि का वो भी देखेंगे, मंदिर भी देखेंगे। 24 पुरुष और 8 महिला तीर्थयात्री भोपाल से प्रयागराज गए हैं, उनकी मदद के लिए साथ में एक स्कॉट भी है। ट्रेन से इस तीर्थ यात्रा में 4 से 5 दिन का समय लगता है, हवाई यात्रा से ये सफर 24 से 26 घंटे में पूरा हो जाएगा। सारे यात्रियों को छोड़ने मुख्यमंत्री खुद आए, एक नया ऐलान भी किया। अपने बुजुर्गों को हम हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है कि मनुष्य को हर प्रकार के सुख देने की कोशिश करना। मध्य प्रदेश में 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी। अभी तक 782 विशेष ट्रेनों में 7,82,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।